हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि हमारी सुबह की तरह आपकी भी हर सुबह बहुत अच्छी, बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत हो। आज के दिन बच्चों के मुझे पीटीएम में जाना था, पेरेंट टीचर मीटिंग फजाई इंटर कॉलेज में, और फिर मैंने सुबह सुबह यहीं का प्रोग्राम बनाया कि पहले मीटिंग कर ली जाए ताकि पता चले क्या प्रोग्रेस है। वैसे तो फरियाल के भी कोई टेस्ट नहीं हुए थे, बस जस्मीन के मंथली टेस्ट हुए थे और दिलारा के हुए थे। तो टीचर से कुछ मीटिंग की, कुछ टीचर्स मिले कुछ नहीं मिले, और अच्छा माहौल रहा। न्यू टीचर से भी मुलाकात हुई कुछ फैकल्टी से, और अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी हुई है क्योंकि इट्स बीन 2 ईयर्स नाउ के फ़ज़ाइये से ताल्लुक़ है। तो ये तब से मैंने बातचीत की और उनके बच्चों का जो जितना भी लर्निंग आउटकम है और एटीट्यूड, हर किस्म हर मौजू पे बातचीत हुई। तो यहाँ से फिर सेटिस्फाई होके हमारा इरादा था कि आगे जाया जाए एंड्योर की तरफ, क्योंकि मुझे बच्चों के कुछ शूज़ वगैरह लेने थे और इस वक्त मुझे पार्किंग नहीं मिली। हालांकि करीब ही पार्किंग मिल जाती है, लेकिन चूंकि बीटीएम थी, रश बहुत था, तो मैंने फिर फैल्कन के गेट के आगे ही गाड़ी खड़ी कर दी थी। दिन बहुत खूबसूरत था और बहुत क्लाउडी। मैंने सोचा कि अभी कोई सेल वगैरह लगी होगी। अच्छा, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि विंटर कलेक्शन पे कोई सेल होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पहुँचे तो जो इतने भी खदशात थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि विंटर कलेक्शन भी था वहाँ पे। स्पीड हमें लिमिट जो है कैंट में अब रखनी पड़ती है 35-40, मैक्सिमम 45, क्योंकि जगह जगह अब लग चुके हैं स्पीड कैमरा, सो नो ओवर स्पीडिंग। और बल्कि ऐसा लगता है कि मिस्टर बीन की तरह गाड़ी चला रहे हैं, बहुत ही स्लो करनी पड़ती है और अक्सर जो ध्यान नहीं रहता तो बिल्कुल सामने जो है स्पीडोमीटर पे ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं को ब्लंडर ना हो जाए, और क्योंकि कैमरास के थ्रू पिक्चर हो जाती है और फ़ौरन ही फिर मोबाइल पे जो है चालान आ जाता है। तो हमें इसका अब जो कैंट वालों को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अभी तक मेरे हाल से काफ़ी लोगों को इस बात के बारे में पता नहीं है, जब तक उनको चालान नहीं मिल जाता। मेरे साथ जुल्म होता है, हमने जूते मिले हैं तो अब हम जा रहे हैं, तो मैं इधर ही बैठी हूं। मेरे जूते हमेशा नए होते हैं। पूरी गाड़ी हिली है इस पतंडे से। हम जा रहे हैं स्टेशन, बुक स्टेशन। कहाँ? तो यहाँ पे पूरी एक लेन है मार्केट की। सबसे पहले तो हम एंड्योर ही गए और यहाँ पे हमने शूज़ देखे। सबसे पहले बच्चों के लिए मैंने चूज़ करती रही, लेकिन ये देखें कितने प्यारे कलर के मुझे लगे। ये तो बहुत अच्छे जॉगर्स लगे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे। मैंने कहा अच्छा वेट करो जरा इनकी सेल लगने दो। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे विंटर कलेक्शन भी रखा हुआ था, बच्चों के लिहाज से भी और बड़ों के भी, और मेल फीमेल हर किस्म के शूज़ थे। यहाँ पे पम्प्स भी थे, तो मेरी नज़र जो है एक इन पम्प्स पे पड़ी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही इजी टू कैरी और मुझे बहुत अच्छे लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे साइज़ के भी मिल गए, जो कि आमतौर पर नहीं मिलते और रिजनेबल प्राइस में, सो आई डेफिनेटली बॉट इट। इसके अलावा दिलारा का भी लिया और जैस्मिन के भी जॉगर्स लिए। चलें अपनी शॉपिंग आपको दिखाते हैं। ये है दिलारा के जॉगर्स गोल्डन कलर में, और साथ में जो है हमने लिया
और ये है जैस्मीन के, ये वीडियो में जो है ब्लैक लग रहे हैं लेकिन वैसे ये रॉयल ब्लू कलर है, खूबसूरत ब्लू कलर है। ये देखें अब आपको लाइट में लगेगा, नाइस कलर, नाइस टेक्सचर है शूज का, मुझे पसंद आया और सबसे अच्छा तो मुझे अपना लगा। अच्छा उसके बाद हम लोग बुक स्टेशन गए, यहाँ से बच्चों ने कुछ स्टेशनरी लेनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ बुक्स भी पसंद की और हनी के लिए भी कुछ चीज़ें पसंद की। हनी के लिए मेरे हाथ से सैंड थे, कलरफुल सैंड वो लिए, और बच्चों ने वो पाउचेस भी लेनी थी, तो फिर यहाँ से हमने सिलेक्ट की वो। स्टेशनरी शॉप पे आके खुद भी बहुत दिल करता है कि बड़े कलरफुल सी चीज़ें खरीदी जाएं, और बच्चे तो बिल्कुल कोशिश होती है उनकी कि हाथ साफ किया जाए और कोई कुछ ना कुछ जो कि यूज़लेस हो वो भी खरीद ही लें। तो मेरा बड़ा अच्छा मशवरा है कि अवॉइड किया करें बच्चों को साथ ले जाना स्टेशनरी शॉप पे। बाकी आपकी मर्जी। और जैस्मीन ने रूबिक्स क्यूब्स लेनी थी ताकि अपना कुछ लॉगरिथम के थ्रू इसको सॉल्व करे, तो मैंने कहा चलें ले लें। इस रैक में जितना भी सामान था इस शॉप पे, इसके ऊपर लिखा होता 50 ईच, लेकिन किसी भी चीज़ ने अट्रैक्ट नहीं किया, शायद किसी और के लिए यूज़फुल हो। मैंने काफ़ी देखा लेकिन मुझे कुछ इसमें समझ नहीं लगी। बहरहाल अच्छा टाइम हमने यहाँ पे भी स्पेंड किया और पेमेंट की और निकल पड़े। आई थिंक ये तकरीबन 7-8 साल पुरानी शॉप है और हमारा अक्सर यहाँ पे आना जाना होता है, सो गुड शॉपिंग ओवर हियर। You look at my hair. I look at me. How do you look cool? I'm also looking fantastic. Hey, Jasmine. इस तरह से जी हमारे एक खूबसूरत दिन का अख्ताम हुआ और अच्छी एक्टिविटी रही और अच्छी मीटिंग भी रही टीचर्स के साथ। मैंने कहा आपके साथ भी ये ब्लॉग शेयर किया जाए जल्द से जल्द। सो इट्स द एंड ऑफ द डे नाउ, होपफुली यू हैव लाइक द वीडियो। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।